सो गाइज वेलकम आर माई चैनल। तो कैसे आप सभी, और आप सभी को हैप्पी दिवाली। तो यहाँ पे मैं ब्यूटी टिप्स शेयर कर रही हूँ। मैं यहाँ पे अपने फेस पे ना कच्चे दूध से मसाज कर रही हूँ। ये मेरा डेली रूटीन है और बहुत लोग मुझसे टिप्स पूछ रहे थे, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो उसके बाद मैं ठंडे पानी से अपने फेस को धो लूँगी, और उसके बाद आप चाहे कोई भी मॉइस्चराइजर लगा लीजिए। यहाँ पे मैं पर्दा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। ये मेरी एक साड़ी थी, तो इसी की कटिंग करके बनाऊँगी मैं। और यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी और पूजा के लिए, क्योंकि आज है छोटी दिवाली, तो मैं यहाँ पे पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और मेरे फैमिली की तरफ से। गाइज आज का दिन मैं कभी 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 भी नहीं भूलूँगी, क्योंकि पिछले 4 साल के बाद हम एक साथ इस तरीके से बहुत खुशी के साथ हमने दिवाली की जो पूजा की है, यानी कि दिवाली तो कल है लेकिन छोटी दिवाली की और धनतेरस की, मतलब इस साल की जितनी भी फेस्टिवल थे, खुशियाँ थी, हम लोगों ने एक साथ मनाई है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। रीज़न वाले जितने भी लोग थे ना, अभी हमारे लाइफ में नहीं है, तो ये सारा त्यौहार करवा चौथ भी हमारा बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ। हमारा रक्षाबंधन भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ। और पिछले जड़ी काट दोगे तो आपको प्रॉब्लम क्यों होगी, तो यही मैं बात बताना चाह रही थी आप लोगों से, अपनी खुशी शेयर करना चाह रही थी कि मेरा ये 4-5 सालों में पहली दिवाली ऐसी है कि हम बिना किसी टेंशन, बिना किसी डिप्रेशन, बिना किसी लड़ाई झगड़े का, हमारा जो है ना पूजा पाठ, सारी खुशियाँ एक साथ सेलिब्रेट हुई है। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। तो आप लोगों की दुआएं चाहिए गाइस, आप लोगों का प्यार चाहिए, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। तो जो भी हमारे ज़िंदगी में बुरी चीज़ें जितनी भी थी ना, हमारी ज़िंदगी से निकल चुकी है। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि मैं, मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरा बच्चा, हम तीनों ऐसे ही खुश रहे, और हर त्यौहार, हर खुशी हम तीनों एक साथ मनाएं, और हमें हमारे लाइफ में किसी की भी ज़रूरत नहीं है। और मैं कभी भी अपने लाइफ में अब किसी भी ऐसे पर्सन को इंक्लूड नहीं करना चाहती कि जो हमारी खुशियों के बीच में रोड़ा बन के आते थे। मिसअंडरस्टैंडिंग हमारी कभी खुद की थी ही नहीं। हमारे जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लड़ाई झगड़े थे, वो दूसरों की वजह से क्रिएट होते थे। और सामने आपको मेरे रूम में एक पर्दा दिखाई दे रहा होगा, जो जिसे मैंने आज ही बनाया है अपने साड़ी से काट के। तो जब मैं बना रही थी, तो मैंने सोचा था आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बट मेरे फ़ोन बंद हो गया और फ़ोन नहीं चार्ज कर पाई, सब बस आप इतना जान लो। और यहाँ पे मैं इवनिंग की जो है बत्ती वगैरह की तैयारी कर रही हूँ, और आज छोटी दिवाली हमने बहुत 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 अच्छे से एंजॉय किया। तो ये पर्दा कैसा लग रहा है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, ना सिलाई किया है, ना कुछ किया है, ना रॉड लगाया है, सिर्फ और सिर्फ मैंने अपने सेफ्टी पिन के ज़रिए बनाया है। मैं शेयर कर दूंगी, अगर आप लोगों को ये आइडिया चाहिए तो, बहुत ही इजी एंड सिंपल वे में मैंने एक डिज़ाइनर पर्दा बना के रेडी किया है। और ये वाली साड़ी, पिंक वाली, मैं पहनती भी नहीं थी। तो यहाँ पे मैं अपने पूजा की तैयारी कर रही हूँ दिया की, और उसके बाद गाइज मैं रंगोली भी बनाऊंगी। उम्मीद करती हूँ गाइज मेरा आज का ब्लॉग वीडियो आप लोग बहुत प्यार दोगे आज की वीडियो में। तो बहुत सारा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट्स करना वीडियो अच्छा लगे तो। बहुत मेहनत करती हूँ गाइज आप लोगों के लिए, तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि मेरा आज का ये छोटी दिवाली का ब्लॉग वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। मैं तो सच पूछिए आज बहुत 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 हैप्पी हूँ, बहुत टाइम के बाद, पिछले 4-5 सालों के बाद। समझ लीजिए कि मेरी फैमिली, मुझे ऐसे ऐसा लग रहा था कि आज मेरी फैमिली जो कंप्लीट हो गई है, जो मुझे चाहिए था। मैं जिस तरीके से अपने हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना चाहती थी और अपने घर में खुशियाँ चाहती थी, वो सब कुछ आज उसी तरीके से हो रहा है। तो बस ये भी आप लोगों का प्यार है, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा गाइस, ताकि, और मैं इतने अच्छी तरीके से अपना ब्लॉग वीडियो शेयर कर पा रही हूँ, तो वो सबका भी रीज़न आप लोग हो। तो मेरी इन सारी खुशियों में आप सब लोग शामिल हो। तो देख पा रहे होंगे कि मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे रेडी हुई हूँ और अपने छोटी दिवाली की जो है सेलिब्रेशन कर रही हूँ। तो गाइस प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि मेरा ये दिवाली ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा।
पता नहीं गाइस, मुझे आज ये बातें बोलनी चाहिए थी कि नहीं बोलनी चाहिए तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो कई सालों का मन के अंदर जो दुख होता है, भड़ास होता है ना, वो आज मेरे मुंह से निकल ही गया। क्योंकि आज खुशी का माहौल है और सब कुछ अच्छा अच्छा है, तो मैंने कहा कि चलो आज ये बात भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आज पिछले 4-5 सालों के बाद हम बहुत अच्छी तरीके से, हमारा कोई फेस्टिवल कंप्लीट हो पा रहा है। तो बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा, और बस मैं यही चाहती हूँ कि निगेटिविटी हमारी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा दूर रहे, ताकि मेरी अपनी फैमिली जो है ना वो कंप्लीट हमेशा रहे, हम तीनों एक एक मतलब खुश रहे हम तीनों। बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कि मेरा आने वाला हर त्यौहार ऐसे ही बीते, मेरी फैमिली के साथ, मेरे बच्चे के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ। तो निशु की 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, निशु को बुखार था हल्का हल्का, और इसको खांसी जुखाम भी हो रखा है, इसीलिए हम इसको बिल्कुल भी नहलाए वगैरह नहीं है। तो आप लोग मुझे बताना कि मेरा त्यौहार, आप लोगों को छोटी दिवाली का ये ब्लॉग वीडियो कैसा लगा। तो यहाँ पे हम अपने स्टेयर्स पे जो है बत्ती वगैरह जला रहे हैं, और इसके बाद मैं बनाऊंगी रंगोली। तो गाइज मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि मेरी रंगोली कैसी लगी। निशु मेरे साथ साथ मोमबत्ती वगैरह जला रहा है और मेरे हस्बैंड मेरी वीडियो शूट कर रहे हैं। मैंने कहा चलो कर लो। तो बस हम ऐसे ही अपना छोटी सी जो भी छोटी दिवाली की पूजा वगैरह है हल्का फुल्का, वो हम ऐसे ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग आज का कैसा लगा वो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मैं कैसी लग रही हूँ वो भी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। यहाँ पे मैंने अपने साड़ी को काफ़ी स्टाइलिश करके जो है पहना है, और ये है मेरा आज का हैप्पी दिवाली का ब्लॉग वीडियो गाइस। और मुझे प्लीज़ 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 गाइस कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा आज का ये सेलिब्रेशन ब्लॉग वीडियो कैसा लगा। तो उम्मीद करूंगी कि आप लोग भी हैप्पी होंगे और आप लोग भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे, और आप लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। सारी शुभकामनाएं, दिवाली बहुत 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 मुबारक हो। और आज है छोटी दिवाली, और अब मैं जा रही हूँ साड़ी चेंज करने। यहाँ पे मैंने आज बनाया था सागर चोटी ये वाली इस तरीके से, और साड़ी तो आप लोगों ने मेरी देख ही ली है, लूज हो गई। तो इस तरीके से मैंने डिजाइन बनाई थी ऐसे, और इस तरीके से मैंने पहनी थी इसको पूरी। तो
आज एक चीज बहुत अच्छी होगी, आज बहुत सारे मच्छर मर जाएंगे। आप लोगों को बाय बोल देती हूँ और हैप्पी दिवाली बोल देती हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली, दिवाली। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही आप लोग खुश रहिए, हैप्पी रहिए। और ये रहा मेरा आई मेकअप और सब कुछ ग्रीन ग्रीन, ये मेरे बैंगल्स इस तरीके से। सो गाइज, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि मेरा आज का ब्लॉग वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना, और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ये था आज का मेरा छोटी दिवाली ब्लॉग वीडियो। आई होप गाइज यू एंजॉय। और बस अभी के लिए इतना ही, तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग से ब्लॉग वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय। और ये मैंने नया वाला नोज पिन पहना है, यू कैन चेंज किया है आज मैंने। ये मेरे हस्बैंड जो ला के दिया था वो वाला है।